सो हेलो गाइज, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू डे नंबर 3। आज डे नंबर 3 है हमारे ब्लॉग का। एंड आज घर पे काफ़ी सारे काम है, मतलब कल घर पे कुछ पूजा होने वाला है, तो इसलिए आज घर का साफ सफाई ये सब चीज़ें करना पड़ रहा है। और घर पे मेंबर भी बहुत कम है, तो मुझे भी काम में थोड़ा माँ के साथ हाथ बटाना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया हुआ है, क्योंकि काम तो काम होता है। आज मैंने 7 टास्क लिए हैं, उसमें कुछ छोटे छोटे टास्क है, कुछ बड़े बड़े टास्क है। मैं ट्राई करूंगा हर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। सो लेट्स सी, देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। अभी मुझे थोड़ी देर में मार्केट भी जाना है, मार्केट से आने के बाद ही मैं काम करना चालू करूंगा। एंड देन फिर थोड़ी देर में फिर घर का थोड़ा काम चलेगा। सुबह भी मैंने काफ़ी काम कर लिया है, एंड मतलब साफ सफाई वगैरह, एंड और भी कुछ काम है जो अभी बाकी है, तो अभी हम करेंगे थोड़ा टाइम निकाल करके। ओके, सो मिलता हूँ कुछ टास्क कंप्लीट करने के बाद, एंड थोड़ी देर में कुछ अपडेट आपको देता हूँ। ओके, या सो फाइनली गाइज, अभी घर का पूरा काम खत्म हो गया है। पूरा साफ सफाई जो भी पूजा के लिए करना था वो मैंने सब खत्म कर लिया है। एंड अभी मैं बैठा हूँ अपने टेबल पे, एंड अभी काम मेरा चालू हो जाएगा। तो अभी क्लाइंट से कुछ अपडेट आया हुआ है, मतलब उसको अपनी वेबसाइट में उसके फनल में कुछ अपडेट चाहिए, तो वो टास्क में भी ऐड हो गया है, तो वो अभी अर्जेंट है। तो पहले मैं वो वाला टास्क को कंप्लीट करूंगा, शायद उसमें 30 मिनट 45 मिनट ऐसा कुछ लग सकता है, तो वो वाला टास्क मैं पहले कंप्लीट करूंगा। एंड देन फिर मैं अपना जो भी टास्क मैंने बनाया था वो एक एक करके कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। मैंने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, सारा सब कुछ ख़त्म हो गया। तो फाइनली मुझे टाइम मिल गया अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। कल भी मैं पूरी तरीके से अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि पूरी तरीके से अपने टास्क को कंप्लीट करूं। ओके, एंड एक और चीज़ मुझे करना है, मतलब कुछ दिन पहले मैं एक वैकेशन पे गया था, मतलब बैचलर पार्टी आप बोल सकते हैं, मेरे एक दोस्त का शादी होने वाला है। सो उसने बैचलर पार्टी रखा था, कहाँ पे वो जगह का नाम नहीं बताऊंगा मैं बस उसका एक छोटा सा ब्लॉग बनाया था। मतलब उस टाइम पे माइंड में इतना नहीं आया था कि ब्लॉग बनाऊंगा मैं करके, तो ऐसे कुछ छोटे छोटे क्लिप्स लिए थे। उसको मैं अभी ये क्लाइंट का काम ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ा सा उस पर टाइम दूंगा, एंड देन फिर मैं अपने टास्क पे काम करूंगा। सो वो भी मैं अपने इस चैनल पे डालूंगा, एंड आप जगह का नाम गेस करना, आई गेस उसमें वीडियो में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, अगर किसी को भी कोई अंदाज़ा है कौन सी जगह हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते हैं कौन सही गेस करता है। सो गाइस चलिए, मैं अभी एक एक करके काम करना चालू करता हूँ। ओके, एंड देन फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। या सो हाय गाइस, काफ़ी टाइम बाद मैं अभी फ्री हुआ हूँ, मतलब आप ऐसे लगा सकते हैं लगभग 3-4 घंटा हो गया है, राइट? सो 3-4 घंटे में मैंने 3 टास्क मैंने अभी तक कंप्लीट कर लिया है, एंड काफ़ी हार्ड टास्क थे, तो इसीलिए कंप्लीट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। एंड चलो अच्छा हुआ हार्ड टास्क कंप्लीट हो गए। अभी छोटे छोटे टास्क हैं, उनको मैं कंप्लीट कर लूँगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा छत पर टहल के आता हूँ, क्योंकि बैठ बैठ के कमर में दर्द हो गया है सीरियसली। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा सकता हूँ, ये देखिए कैसे कितने पास में, मतलब अगर मैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे आता हूँ ना, तो नारियल इतने पास में ही लग रहे हैं, इतने पास में नारियल लग रहे हैं, मतलब ऐसे जाओ हाथ में से तोड़ के लेके आ सकते हो, राइट? और ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, जहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया हुआ है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें हमने रखा हुआ है, और यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया हुआ है, मतलब पार्टीशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है, सो जस्ट ऐसे ही है। और जहाँ पे आप देख रहे हैं, जहाँ पे मैं आप बैठ के काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे अपना ऑफिस शिफ्ट यहाँ पे करने वाला हूँ, मतलब वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वो बेसिकल हमारा बेडरूम है। तो अभी मैं उधर काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा गोल यही है कि ये ऊपर एक बहुत बढ़िया सा ऑफिस मैं सेटअप करूँ,
एंड अपना सारा सब कुछ इधर मैं लेके आऊँ, राइट। सो गाइज कितना बढ़िया नज़ारा है यहाँ पे। काफ़ी टाइम बाद में छत पे आ रहा हूँ, पहले जब भी मतलब ऐसे ही कभी कभी थक जाता था काम करके तो मैं ऐसे ही आ जाता था ऊपर और यहाँ पे बढ़िया हवा चलता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था तो जिसके वजह से मैं छत पे नहीं आ पा रहा था। तो आज बारिश नहीं है, मौसम बहुत बढ़िया है तो मैं आया हूँ छत पे। एक और नारियल का पेड़ है, ये आप देख सकते हैं, एंड यहाँ पे बहुत बढ़िया फूल भी लगा हुआ है पेड़ में, राइट। सो एक बार मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ कि कैसा है हमारा गांव। ये जो घर आप देख रहे हैं ये वो हमारा पुराना घर है, पहले हम वहाँ पे रहते थे एंड अभी हम उसको किराए पे लगा दिए हैं। 3 फैमिली रहते हैं वहाँ पे किराए पे और अभी हम ये वाले घर पे शिफ्ट हो गए हैं, करीब 5-6 साल हो गए। सो गाइस काफ़ी टाइम हो गया है अभी घूमते घूमते, मेरे को छत पे थोड़ा गाने भी सुन रहा था मैं, बहुत मस्त लग रहा था, हवा भी चल रहा है बहुत बढ़िया। तो अभी टाइम हो गया है नीचे जाने का एंड बाकी के टास्क को कंप्लीट करने का, राइट। सो अभी चलते हैं नीचे एंड बाकी का टास्क कंप्लीट करते हैं। ओके सो अभी मैं पहुंच गया हूँ अपने टेबल पे। मौसम काफ़ी बढ़िया हो रहा था, छत से आने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें अभी काफ़ी गोल है मेरे पास, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये गोल को मेरे को कंप्लीट करना है, राइट। एंड काफ़ी कुछ अचीव करना है लाइफ में तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो गाइज जैसे कि मैं आपको बोला था कि 21 डेज का चैलेंज मैंने लिया हुआ है कि कुछ भी करूं, मतलब 21 डेज में ब्लॉगिंग करता रहूं एंड उसके साथ साथ मेरा जो टास्क कंप्लीट करने का हैबिट में 21 डेज में जैसे कंप्लीट कर सकूं, राइट। तो वैसे अगर कोई है आप में से जो जो मेरे साथ 21 डेज का चैलेंज लेना चाहता है तो गाइज यू आर मोस्ट वेलकम एंड आप भी 21 डेज का चैलेंज मेरे साथ चालू कर सकते हैं, ओके। सो ठीक है तो चालू करते हैं काम और कंप्लीट करते हैं और टास्क। या सो हे गाइस इट्स 12 AM राइट नाउ, आई गेस लाइक 12 बज चुके हैं एंड फाइनली मेरे टास्क कंप्लीट हो गए हैं एंड आई एम सो हैप्पी। एंड क्या लग रहा है आपको, सारे टास्क कंप्लीट हो गए? नहीं, इतनी जल्दी ये हैबिट नहीं बनने वाला है, अभी एक एक करके टास्क ऐड भी हो रहे हैं। सो ठीक है, कोशिश जारी है एंड काफ़ी इम्प्रूवमेंट मैं अपने आप में देख पा रहा हूँ। ऑल्सो आज मैं मेडिटेशन नहीं कर पाया एंड जिम भी नहीं जा पाया काम की वजह से, तो कल मुझे थोड़ा सा रूटीन में चेंज करना पड़ेगा ताकि मैं ये दोनों चीज़ के लिए टाइम निकाल सकूँ, अदरवाइज ऐसे ही चलता रहेगा, राइट। सो आज के लिए गाइस इतना ही इस ब्लॉग में, कल फिर से ट्राई करेंगे कंप्लीट करने के लिए सारे टास्क एंड ऑल्सो मेडिटेशन एंड जिम के लिए भी टाइम निकालने के लिए, राइट। सो गाइस आज के लिए इतना ही, चलिए फिर गुड नाइट। अभी मुझे इस वीडियो को एडिट करके थोड़ा सा एडिट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप्स मैंने लिए हैं तो उसको थोड़ा सा
ऐड करना है एंड देन फिर अपलोड करना है। नींद भी बहुत तेज आने लगी है, कोई बात नहीं, काम तो काम होता है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।